अभी कुछ टाइम पहले मैंने ट्विस्टर्स करके मूवी देखी थी। वो मूवी मैंने इसलिए देखी क्योंकि मुझे नेचुरल डिजास्टर वाली मूवी काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसके अंदर एक रियल हॉरर सा फील होता है यार, ऐसा चीजें हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार तूफान आ सकता है, भूकंप आ सकता है, ऐसी चीजें एक्चुअल में पॉसिबल होती है। तो उस तरीके की मूवीज की खोज मुझे एक और मूवी जिसका नाम है जियोस्ट्रॉम, आज हम उसके बारे में बात करने वाले, जिसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। वैसे मुझे ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप कोई मूवी देख सकते हो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि यार इतना ही सुनते हैं वीडियो को और फिर इसके बाद भाग जाते हैं उस मूवी को देखने, वीडियो कंप्लीट नहीं करते, उससे मेरा नुकसान हो जाता है। खैर, देखेंगे आने वाली वीडियोस में इस चीज को मैं कहां रखता हूं। तो अब बात कर लेते हैं जियोस्ट्रॉम मूवी की कहानी के बारे में कि हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो इंसान जिस तरीके के आप देख रहे हैं आज की डेट में, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है और कैसे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कैसे बढ़ रही हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है और इस करके जो है वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो जहां पर बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम हम डेली न्यूज़पेपर के अंदर देखे तो हमें ऐसे सुनने को भी मिलता है। किसी भी कभी बारिश ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, सूखे ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, गर्मी ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इस तरीके के हालात इस मूवी में दिखाए गए हैं कि बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं पृथ्वी के। तो दुनिया के लोग जो है वो एक साथ आकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो ये नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, ये जो नेचुरल एक तरीके से आपदाएं आ रही हैं, इनको रोका जाए। तो इसका नाम, इस टेक्नोलॉजी का नाम होता है डच बॉय और एक तरीके का स्पेस सेंटर होता है। तो ये स्पेस सेंटर के द्वारा क्या करते हैं, ये जितने भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं इनको रोकने की कोशिश करते हैं। पूरी पृथ्वी को सैटेलाइट से एक जाल बनाकर घेर लिया जाता है ताकि जहीं पर भी कहीं अगर तूफान आ रहा हो तो उस तूफान को रोका जाए, अगर बाढ़ आ रही है तो बाढ़ को रोका जाए, भूकंप आ रहा है तो भूकंप को कंट्रोल किया जाए, इस तरीके की वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और इस डच बॉय ने काफी अच्छे तरीके से काम किया होता है और काफी टाइम से कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर देखने को नहीं मिलता है, काफी सारे लोग खुश होते हैं इस बात से। लेकिन इसी डच बॉय में एक गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण अब यही डच बॉय दुनिया के विनाश का कारण बनता है और एक जियोस्ट्रॉम करके एक शब्द यूज होता है जिसको सुनकर काफी ज्यादा एक तरीके से दिल दहल जाता है। अब वो कैसे ये सब चीजें होती हैं, कैसे इस डच बॉय को रोका जाता है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो अब हो गई इस मूवी की कहानी, अब बात कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, मतलब इसमें क्या अच्छा है जो इस मूवी को देखने लायक बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी स्टोरी है वो डेफिनेटली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि उसके अंदर जो हमें नई नई चीजें देखने को मिलती हैं जो हमारा इंटरेस्ट बनाए रखती है इस मूवी के अंदर। और जैसा मैंने कहा, एक शब्द जियोस्ट्रॉम जैसे यूज किया गया है इसके अंदर, वो यार वाकई में काफी बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि एक एंडिंग में आप जैसे तरीके की चीजें देखेंगे वो बहुत जबरदस्त है। जो भी इस मूवी के अंदर कास्ट है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और जिस तरीके के स्पेशल इफेक्ट इस मूवी में यूज किए गए हैं यार, उनको देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और एक मुझे यार ये जो नेचुरल डिजास्टर वाली मूवी होती है जिसमें कहा, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि और वो तबाही देखना मतलब मैं एक्चुअल में नहीं देखना चाहता। जो ये रियल लाइफ जो मतलब रियल क्या जो रियल लाइफ होती है इनके अंदर, एक हमें वो सब चीजें देखने को मिलती है अगर हम नहीं सुधरेंगे। इंसानों ने अगर पोल्यूशन कम नहीं किया या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का यूज कम नहीं किया तो ये सब चीजें होंगी आने वाले टाइम में। इस तरीके की जब चीजें हमें देखने को मिलती है वो दिल दहला देती है और वो रोंगटे खड़े कर देती है। वो एक ऐसी चीज होती है कि हाँ यार ये चीज पॉसिबल हो सकती है। मूवी में इमोशनल एंगल भी है हाँ, जो वो थोड़ा बहुत काम करता है और मूवी में सरप्राइज भी डाले गए हैं हाँ, वो भी काफी बढ़िया उन्होंने काम किया। जो मेन जो जान है इस मूवी की वो है इसके CGI, वो बहुत उम्दा लेवल के मुझे लगे, मतलब वो इतने बढ़िया मुझे लग रहे थे, मतलब कुछ सीन ऐसे मैंने बैक कर करके उनको देखे हैं, इतनी अच्छे तरीके से उन चीजों को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया। अगर इस मूवी को मैं अगर कंपेयर करूं ट्विस्टर जो मैंने मूवी देखी है, अब ऐसा नहीं है कि कंपेयर करना नहीं चाहिए वैसे मुझे लगता है, क्योंकि यार ट्विस्टर एक अलग है और जो जियोस्ट्रॉम एक बहुत एक अलग मूवी हो जाती है, लेकिन एक नेचुरल डिजास्टर वाली उसी पैटर्न के ऊपर आधारित, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस बेस पे अगर मैं कंपेयर करूं तो ट्विस्टर उसके सामने मतलब जियोस्ट्रॉम के सामने कुछ भी नहीं है। जियोस्ट्रॉम काफी अच्छी लगी मुझे एज कंपेयर टू ट्विस्टर के मुकाबले। बाकी मूवी की जो एंडिंग है वो भी काफी बढ़िया मुझे लगी। ये हो गई मूवी की अच्छी अच्छी बातें, अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या कमियां हैं, क्या सिर्फ इसके अंदर अच्छाई है, कोई कमी नहीं है। डेफिनेटली मूवी के अंदर कुछ कमियां भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कुछ एक चीजें इसके अंदर होती हैं, जैसे कि डच बॉय है वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कैसे गड़बड़ आती है, वो कैसे चीजों को रोकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये एक्सप्लेन नहीं कही गई। ऐसा होता ना कि हम मैथ के अंदर कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हमें कहते हैं कि यार एक्स की वैल्यू ये मान लो, इसके अंदर भी वैसा समझ लो, कुछ चीजें होती है हमें वो माननी पड़ती है कि ठीक है यार ऐसा हो गया होगा मान लेते हैं ऐसा, तो वो वाली फीलिंग आने लग जाती है। और ये प्योर एक तरीके से कहेंगे परफेक्ट है नेचुरल डिजास्टर दिखाने के लिए तो नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकता। हाँ एक तरीके की ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप
जो एक्सपीरियंस होगा वो इंजॉय करोगे। और अगर आपने इस मूवी के अंदर लॉजिक यूज कर लिए तो ये मूवी आपको शायद कुछ खास पसंद ना आए। फिर इसके अलावा साइंस फिक्शन मूवी के ऊपर ये आधारित है, साइंस फिक्शन एक तरीके से मूवी है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी वाले शब्द यूज किए गए, भारी भरकम वो शब्द वो सर के ऊपर से जाएंगे, तो ये कुछ कमियां हो गई इस मूवी के अंदर। ओवरऑल अगर बात करें तो हाँ, आपको एक तरीके से एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एक अच्छा बड़ा एलईडी टीवी है जिसके अंदर आपका 4K सपोर्टेड है, तो आप इस मूवी को 4K के अंदर देखेंगे तो बहुत एक बढ़िया साउंड के साथ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मेरी तरफ से तो देखो, इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो 1 time consider कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।